ଆମର ଅଖିଳ ଭାରତ ହିନ୍ଦୁ ମହାସଭାର ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ତିନିଟା ତିନି ଚାରି ଦଳ ହୋଇ କେସ୍ ପତ୍ର ଲାଗିଥିଲା ସେ କେସ୍ ସବୁ ତୁଟି ଯାଇଛି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁର ପିଟିସନ୍କୁ ଖାରଜ କରିଦେଇ ଆମର ମୁନା କୁମାର ଶର୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଅଖିଳ ଭାରତ ହିନ୍ଦୁ ମହାସଭାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି ତେଣୁ ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରସାର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ କାଲି ଗତକାଲି ଆମେ ଆମର ସଭାପତିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ସହ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥିଲୁ ସେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ ଦେଶର ହିନ୍ଦୁତ୍ଵ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ହିନ୍ଦୁ ହିନ୍ଦୁ ସୈନିକର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ସୈନିକର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ହିନ୍ଦୁସ୍ଥାନ ଗଠନ କରିବା ପାକିସ୍ତାନ ପରି ହିନ୍ଦୁସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଚାଲୁ ରଖିବୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମର ଯାହା ସହ ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କହିଲେ ଗୋମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମର ସଂଘ ବଦ୍ଧପରିକର ଭାବରେ कार्य कर में देवा पर प्रयास रखी जय जगन्नाथ जय हिंद मैं मुन्ना कुमार शर्मा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारत हिंदू महासभा मैं ये ओडिशा प्रदेश के दौरे पर आया हूँ और आज भुवनेश्वर के इस रेड क्रॉस भवन में आ, अखिल भारत हिंदू महासभा ओडिशा प्रदेश की कार्यकारिणी की बैठक है उसमें गण आए हुए हैं हमने ये निर्णय लिया है कि आगामी जो विधानसभा का चुनाव ओडिशा प्रदेश का होगा 2024 में लोकसभा का चुनाव होगा इसमें अखिल भारत हिंदू महासभा मजबूती से भाग लेगा अपना उम्मीदवार खड़ा करेगा और हम अखंड हिंदू राष्ट्र की स्थापना हिंदुत्व का विकास हिंदुस्तान का सशक्तिकरण एक समान नागरिक कानून गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने मजबूत जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने इत्यादि मुद्दों पर लड़ेंगे लव जिहाद को बंद कराने उड़ीसा का पूर्ण रूप से विकास कराने उड़ीसा में जो गरीबी और बेरोजगारी है उसको समाप्त करने के लिए हम लोग लड़ेंगे और पूरी मजबूती के साथ अखिल भारत हिंदू महासभा को एक उड़ीसा प्रदेश में एक विकल्प देंगे कि जनता यदि हिंदू हितों की रक्षा करना चाहती है तो वह अखिल भारत हिंदू महासभा को वोट दे हमारे विधायक और सांसद को जिताए ताकि हमारे विधायक और सांसद विधानसभा बिधा, में और लोकसभा में जाकर ओडिशा प्रदेश के हिंदुओं की आवाज़ को देश के हिंदुओं की आवाज़ को बुलंद कर सकें इसके साथ साथ अखंड हिंदू राष्ट्र की स्थापना हत्या को रोक लगाने मजबूत जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने इत्यादि मुद्दों के साथ साथ हम एक और जो ये उड़ीसा में गरीबी और बेरोजगारी है ये दूर करने का हमारा मुख्य मुद्दा होगा और आप सब लोगों को पता है कि यहाँ पर ईसाई मिशनरियों के द्वारा बड़े पैमाने पर धर्मांतरण किया जाता है जिसके लिए हमारे धर्मवीर दारा सिंह जी ने अपना सर्वस्व निछावर किया गया उनको जेल में बंद कर दिया गया मैं ये सरकार से मांग करता हूँ कि दारा सिंह को तुरंत रिहा किया जाए और दारा सेना जो दारा सिंह की रिहाई के लिए और हिंदुओं के धर्मांतरण के विरुद्ध बड़ी मजबूती से काम कर रही है मुकेश जैन साहब के नेतृत्व में अखिल भारत हिंदू महासभा दारा सेना के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ा है और सरकार हमारी मांगों पर विचार करे और दारा सिंह को तुरंत रिहा करे जय हिंदू राष्ट्र